कल की क्लास में फिजिक्स चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे थे लाइट, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने लाइट की डेफिनेशन पढ़ी, प्रकाश क्या है। फिर इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। फिर हमने पढ़ा हमारे आस पास जो है दो प्रकार की वस्तुएं दिखती है, एक वो लेजर जिसको हिट किया निकलता है, इसके बाद में कर्ण पढ़ा था नाम लुमिनस ऑब्जेक्ट जिसको बोलते हैं अर्जित क्रिया का पद्धति, अर्जित क्रिया अप्रभित वस्तु। इतनी बातों की हमने कल की क्लास में किया था, तब हमने पढ़ा था सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट प्रकाश के सोर्स, जिसमें हमने बताया जिन वस्तुओं से या जहां से हमें प्रकाश प्राप्त होता है उसे प्रकाश सोर्स ऑफ लाइट। प्रकाश को दो प्रकार के होते हैं, एक हमने बताया था नेचुरल, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट को प्राकृतिक स्रोत बोलते हैं। ये प्राकृतिक स्रोत क्या होता है, जिस स्रोत या करें जो वे स्रोत प्रकाश के वे स्रोत या वे स्रोत जिसको नेचर ने बनाया, प्रकृति ने बनाया, या दूसरे शब्दों में कहें जिसको भगवान ने बनाया, उसे हम लोग बोलते हैं नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट प्राकृतिक स्रोत। जैसे हमने बनाया था सूर्य चंद्रमा तारे सूर्य, कि दूसरा हम लोगों ने पढ़ा आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट, आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट क्या है, वे सोर्स जिसको मानव ने बनाया, जिसको हम लोगों ने बनाया। द सोर्स ऑफ लाइट इज मेड बाय वुमेन इज नॉन रेड आर्टिफिशियल, इसको हमें बोलते हैं कृत्रिम स्रोत। दूसरा पहला मैं क्या करता है प्राकृतिक स्रोत बताया जिसको नेचर ने बनाया, प्राकृतिक स्रोत है हमने एग्जाम्पल भी आपको बताया था सूर्य हो गया सन हुआ आर्टिफिशियल में क्या होता है जिसको मानव ने बनाया, जैसे हमने बताया जैसे बल्ब कैंडल, ठीक है, ये स्लाइडिंग ये सब हमारे ऊपर मानव ने बनाया है, हम लोगों ने बनाया है इसलिए उसको बोलता है। इसी बात दूसरी चीज हम लोग और आगे बढ़ते हैं, हमने पढ़ा लाइट की जो होती है वो सरल रेखा में गति करती, लाइट सरल रेखा में गति करती है, सरल रेखा
लाइट को प्रदर्शित करने के लिए डायरेक्शनल लाइन होती है जिसको हम लोग करते हैं रेखा। इसके बाद आता है बीम ऑफ, बीम ऑफ हमको बोलते हैं कट ऑफ को। बीम ऑफ लाइट क्या होता है, जब प्रकाश किरणों समूह, प्रकाश किरणों के समूह को हम लोग बीम ऑफ लाइट कहते हैं, कहें द कलेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट नॉन एन बीम। प्रकाश किरणों के समूह को हम लोग प्रकाश किरण बोलते हैं। तीन प्रकार के हैं, एक होगा अभिचारित, ठीक है, कन्वर्जन बीम ऑफ लाइट अभिचार, दूसरा होता है अपचारित, अपचारित क्या होता है डायवर्जन, तीसरा होता है समांतर प्रकाशन, अनुसारी प्रकाशन, अपसारी प्रकाशन, समांतर प्रकाशन। पहले बीम ऑफ, अब चाहे क्या होता है, कई प्रकार के एक ही बिंदु पर, एक ही बिंदु पर मिलते हुए प्रति, यहां पर कई प्रकार के हैं, एक ही बिंदु पर मिलती मिल रही है, ये बीम जो कहलाएगा वो कन्वर्जन बीम ऑफ लाइट कहलाएगा। अच्छा, अब साइन क्या होता है, एक ही बीम से कई प्रकार की किरण निकलती हुई प्रतीत होती है, ये हमारा अपसाइन होता है। समांतर का पुण्य क्या होता है, प्रकाश किरण एक दूसरे से समांतर, अगर प्रकाश में एक दिन पर इकट्ठी हुई होती है प्रतीत हो, ये हमारा अभिचारी हुआ कन्वर्जिंग होगा, अगर एक ही दिन से निकलती हुई प्रतीत डाइवर्जिंग होगा, अगर वो समांतर है जिसको हम लोग बोलते हैं समांतर प्रकाश, ठीक है। इस तरह से फिर और आगे बात बढ़ते जाओ तो हम लोग समझते हैं, अब हम लोग समझना है इसके बाद हम लोग समझेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जिसको हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है इसको समझते हैं हम लोग। देखिए परावर्तन शब्द की बात करें तो परावर्तन शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है टकराकर वापस, टकराकर वापस लौट आना, टकराकर वापस आना, ये परावर्तन शब्द का अर्थ होता है। क्या है, जैसे कोई वस्तु, जैसे अगर हम इसी बॉल को दीवार पर फेंकें, ये बॉल दीवार से टकरा कर पुनः क्या होगा, वापस, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इस बॉल का इस गेंद का क्या हो गया, परावर्तन। तो कहने का मतलब, रिफ्लेक्शन का मतलब होता है, क्योंकि यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन कर रहा है,
इतने प्रकार की किसी भी संपत्ति से या कितने स्तर से टकरा कर उसी माध्यम में वापस प्रकाश विकिरण भी ये हमारे पास एक तल है, ये कितना तल है से है प्रकाश विकिरण आकर टकराई और टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस इसका मतलब क्या होगा प्रकाश का परावर्तन ठीक है ठीक। और जो इस तल से इस प्लेन से प्रकाश किरण टकराती है अभी इस सबसे संबंधित डेफिनेशन पढ़ेंगे तो मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब है जब किसी माध्यम में प्रकाश की किरण किसी कितने सतह से टकरा कर पुनः उसी सतह में वापस लौट जाती है इसे इस घटना को प्रकाश का वो हम कह सकते हैं when light is incident on a surface transparent or opaque is present and back by the surface in the same medium through which it has come this phenomena is called reflection of light इसके बाद इस सब नोट्स को आपको दिखाया जाएगा पहले आप बनते चलिए फिर इससे रिलेटेड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ लेंगे हम लोग सम डेफिनेशन सम डेफिनेशन रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन ऑफ मतलब प्रकाश के परावर्तन से संबंधित परिभाषा प्रकाश के परावर्तन परावर्तन से संबंधित परिभाषा कुछ परिभाषा कुछ परिभाषा प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कुछ परिभाषा कुछ डेफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे पहला हम लोग पढ़ेंगे परावर्तन परावर्तक रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्टेड प्रकाश की किरण रे ऑफ लाइट टकराने के बाद टकराती है इसी तल से हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड परावर्तित मतलब परावर्तन की घटना में प्रकाश की किरण जिस तल से टकराती है इसे हम लोग बोलते हैं परावर्तक तल रिफ्लेक्टेड ठीक है। फिर इसके बाद इसको दूसरे से संबंधित डेफिनेशन है आपतित किरण आपतित इसको बोलते हैं रे ऑफ इंसिडेंट इंसिडेंट रे ऑफ इंसिडेंट रे ऑफ इंसिडेंट आप परावर्तन की घटना में परावर्तक तल पर जो प्रकाश किरण आकर गिरती है आकर टकराती है अगर टकराती है उसे आपतित किरण कहते अगर हम ए को यहाँ पर ए ओ किरण आकर टकरा रही है ए ओ रे आर ए ओ रे को क्या हो रही है रे आप ठीक है आपतित किरण
move from the initiative position, paravrti. Paravrti. इसको बोलते हैं रिया 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 या जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड, इसको हम एंसेंट में बोलते हैं रि, इसको बोलते हैं और परावर्तन की घटना में प्रकाश को परावर्तित करके टकराने के बाद जो प्रकाश जो रे आप वापस परावर्तन की घटना में वापस लौटने वाली प्रकाश की किरण क्या कहलाती है, परावर्तित किरण कहलाती है रिफ्लेक्टेड किरण। क्या बोलेंगे रिफ्लेक्टेड, ये हमारा ठीक है। इस वक्त चौथा डेफिनेशन से हम लोगों को पढ़ना है वो फोर्थ डेफिनेशन द्वारा है आपतन भी आपतन भी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आपतन पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आपतन भी क्या होता है हम इसकी जिक्र करते हैं। परावर्तक तल के जिस बिंदु पर आपतित किरण इंसिडेंट रे आकर गिरती है इसी बिंदु को आपतन बिंदु बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं। ये पॉइंट जैसे ओ बिंदु पर आकर ये गिर रही है ये ओ पॉइंट हमारा जो होगा इसको हम लोग बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। मतलब अगर आपसे पूछा जाए आपतन बिंदु से करते हैं आप सीधा का डेफिनेशन देंगे आपतित किरण परावर्तन करके जिस बिंदु पर गिरती है आपतित किरण परावर्तन करके जिस बिंदु पर गिरती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। आपने पूछा है परावर्तन तो क्या है, परावर्तन की घटना प्रकाश की किरण जिस तल से टकराती है उसे परावर्तन। आपको पूछा जाए आपतित किरण क्या है इंसिडेंट रे क्या है तो आप बताएंगे प्रकाश की वह किरण जो परावर्तित होकर आकर गिरती है उसे इंसिडेंट रे कहते हैं। आपसे पूछा जाए परावर्तित किरण क्या है तो आप बताएंगे परावर्तित टकराने और आप परावर्तक तल से टकराने के बाद प्रकाश की जो किरण वापस लौटती है उसे हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। आपसे पूछा जा सकता है एक डेफिनेशन इसमें और पूछा जाएगा जिसे हम लोग बोलते हैं जिसे जिसे हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु हमने बताया परावर्तित तल के जिस बिंदु से परावर्तित तल के जिस बिंदु पर आपतित किरण आकर गिरती है उसे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। एक डेफिनेशन हम लोगों की इसमें और पढ़ना है जिसको बोलते हैं अभिलंब। अभिलंब क्या है नॉर्मल क्या है हम इसकी भी जिक्र कर लेते हैं। अभिलंब क्या होता है इसमें फिर डेफिनेशन आप समझिएगा अभिलंब 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 क्या होता है अब इसकी जिक्र करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ना क्या बोलते हैं अभिलंब अभिलंब क्या होता है आपतन बिंदु से होकर जाने वाले परावर्तक तल के लंबवत इसके आपतन बिंदु से होकर जाने वाली परावर्तक तल के लंबवत रेखा जो होती है ये नॉर्मल कहलाती है अभिलंब। द परपेंडिकुलर लाइन मींस
reflected plane to point of incidence is known as normal. अभिलंब ये रेखा जो होती है वो अभिलंब कहलाती है. अभिलंब मतलब आप पर जिस चीज होकर जाए वॉट इज टू पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड परपेंडिकुलर टू रिफ्लेक्टेड प्लेन पर आवर्तक तल के लंब या किसी का नॉर्मल दूसरा परावर्तक तल के साथ लंबवत होगा परपेंडिकुलर होगा दूसरा रिफ्लेक्टेड से और नॉर्मल रे नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है वो हमेशा कितना होता है 90 डिग्री होता है. ठीक के बाद इसमें जो सिक्स डेफिनेशन आती है वो आती है आपतन को. आपतन को इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस. एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल. एंगल बिटवीन incident ray and normal is called angle of incident. मतलब आपतित किरण और अभिलंब के बीच आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम लोग क्या बोलते हैं आपतन कोण बोलते हैं. एंगल ऑफ इंसिडेंस करते हैं इसको हम लोग स्मॉल आई से लिखते हैं. स्मॉल ठीक है. एंसिडेंस का पहला लेटर आई होता है जिसको हम आई से लिखते हैं और एंगल राइट है. अगर कहीं पर आप जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट दें पर आप क्या सिर्फ लाओ तो ये आई स्मॉल एक सिंबल मिलता है इक्वल ट्रेस कर रहा है एंगल ऑफ एंसिडेंस को आपका. फिर आगे बढ़ते हैं इसमें से सातवीं बात जो सुननी है यानी ये एंगल जो होगा ये एंगल हमारा ये एंगल क्या कहलाएगा एंगल आई होगा आई से. इसके बाद जैसे सातवीं डेफिनेशन आपको समझनी है परावर्तित रे इसको समझना है परावर्तित रे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन परावर्तित रे. परावर्तन कोण क्या होता है एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. मतलब परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का जो कोण होता है इसे हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं. परावर्तन को करते हैं इसको हम लोग स्मॉल कोण से या एंगल पासिंग चाहे हम स्मॉल कोण लिखे या एंगल ऑफ इंसिडेंस इसका मतलब होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. मतलब ये एंगल होगा ये हमारा इतनी इतनी डेफिनेशन क्या क्या परावर्तक पर आपतित किरण परावर्तित किरण आपतन के अवलंब आपतन के परावर्तन हमें इतने ये सात डेफिनेशन जो है इसी में डेफिनेशन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के रिलेटेड इसको हम लोगों ने समझ. अब इसके बाद बात आगे बढ़ती है और हम लोगों को पढ़ना है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन परावर्तन का नियम. ठीक है हम लोग पढ़ेंगे परावर्तन का परावर्तन परावर्तन की नियम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन परावर्तन की नियम क्या है इसकी भी जिक्र करते हैं. परावर्तन के दो कितने नियम हैं परावर्तन हमने आपको डायग्राम बताया था जब हम परावर्तन के परावर्तन के दर्शन आएंगे तो उसके डायग्राम बनाएंगे इसको हम रे डायग्राम बोलते हैं.
ये हमारा वेक्टर हो गया और क्या है नॉर्मल कर देते हैं इस ये हमारा ये जो रिंग है ये एक्सप्रेस वे है ये साइन बताता है ये रिंग की तरफ जा रही है हमने पहले ही बताया था डायरेक्शन लाइन से प्रकाश की प्रोग्रेशन इधर को उधर जाते हैं अगर हमने ऐसा है प्रकाश उधर से आ यहां पे सेक्टरी हमने ये डायरेक्शन ऑफ इंडेक्स और प्रकाश जा रहा है वो पर रहा है ये जो होगा ये हमारा रिफ्लेक्टिव प्लेन है जो कि प्रकाश की तरफ टकरा रहा है इसको हम लोग बोल सकते हैं ये अर्थ में हम इसको रिफ्लेक्शन ऑफ ये जो रे ऑफ जो रिफ्लेक्ट हो रहा है इंसिडेंट रे इसको हम ए ओ से सेंटर कर इसको सेंटर कर ए ओ से और ये जो रिफ्लेक्टेड रे इसको हम पॉजिटिव कर रहे हैं ये जो परपेंडिकुलर लाइन है ये लंबवत रेखा है ये परपेंडिकुलर राइट को क्या है एन और एन जिसे हैं ये हमारी मतलब है ये एंगल जो होगा ये एंगल इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस आफ्टर इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन परावर्तन तो परावर्तन का पहला नियम है क्या इंसिडेंट में नॉर्मल इंसिडेंट में ऑप्टिक प्लस रिफ्लेक्टेड में परावर्तित किरण नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट मतलब आपतन बिंदु पर आपतन बिंदु पर अभिलंब जीरो ए की तल पर एक ही प्लेन पर स्थित पहला नियम क्या है आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण जीरो ए की तल पर स्थित दूसरा नियम क्या होता है आपतन कोण और परावर्तन के बराबर होते हैं आपतन कोण और परावर्तन के बराबर मतलब आई को हम कह सकते हैं पहला रूप क्या है इंसिडेंट रे इंसिडेंट रे आपतित किरण रिफ्लेक्टेड रे मतलब परावर्तित किरण एंड नॉर्मल एट द एट इंसिडेंट पॉइंट ऑफ पॉइंट ऑफ इंसिडेंट आर लाइन आर पॉइंट ऑफ इंसिडेंट आर लाइन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए इन बातों को समझ लीजिएगा कभी एक दो नंबर क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या परावर्तन के नियम क्या है ठीक है जब परावर्तन के नियम पूछे जाए तो आप लिखेंगे परावर्तन के दो नियम हैं पहला नियम क्या होता है याद रखिएगा पहला नियम हमने आपको बताया पहला नियम है इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड योर नॉर्मल एट पॉइंट और लाइट ऑन पॉइंट ऑन और काम इंसिडेंट लाइट ऑन देखते आपकी किरण परावर्तित किरण और आफ्टर बिंदु पर अभिलंब एक ही तल पर होते हैं दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ मतलब कह सकते हैं आफ्टर कोण परावर्तन के बराबर इसके बाद कभी इसमें क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है छोटा सा क्वेश्चन वो या तो कर सकता है जैसे एक रिफ्लेक्ट आपके पास एक
रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का डायग्राम बना दिया गया, अपर्चर दिया गया, ये एंगल 45 डिग्री है। आई क्या है, ये एंगल हमारा कौन सा एंगल होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, इंसिडेंस होता है, मतलब आई होता है, आई 45 डिग्री है। आप क्या पूछा है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपका रिकॉर्डिंग लंबाई ऑफ रिफ्लेक्शन आई ये क्या होता है, आई लाइट का डायग्राम आ गया। जब थोड़ा सा कंफ्यूज कर लेंगे हो सकता है ये एंगल बदल सकते आप ये है और कहें कि रिफ्लेक्ट आई और आई एंगल क्या दिया गया, ये वाला इसको डिनोमिनेट करें ए ओ, ए ओ ये एंगल दिया कितना 20। आपको कौन सा एंगल सबसे जो हमने बताया नॉर्मल जो होता है या मिल सकते हैं 90 डिग्री का एंगल बनाता है। जब ये 30 हो गया वो हो जाएगा कितना होगा 90 में 30 माइनस कर देंगे जाएगा। तो अगर केस अगर बनेंगे इस तरह से एंगल ऑफ ए ओ पी, ए ओ पी आपकी 120 डिग्री है, आप इसमें कुछ एंगल ऑफ एंसेंस पूछ लिया या एंगल ऑफ एंसेंस आप पूछ लिया तो आप क्या करोगे, तो आप निकालोगे आई कुछ क्या हो जाएगा, ये एंगल टोटल कितना होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री कितना, जब आई 60 डिग्री होगा तो हम जानते हैं आई को तो क्या होता है आर इक्वेशन क्या हो जाएगा। इस तरह से भी क्वेश्चन कभी पूछे जा रहे हैं अगर आपसे, हालांकि ये बहुत छोटी सी बात है, आप इस तरह क्वेश्चन कभी मिलते नहीं, अगर मिलते भी हैं तो आप बताए। फिर इसके बाद थोड़ी सी चर्चा और आगे बढ़ेगी। अब हम पढ़ेंगे पूरे लाइट ऑफ लाइट चैप्टर में आपको एक तत्व परेशान करेगा, इसको हम लोग बोलते हैं प्रतिबिंब इमेज। अब इमेज क्या होता है इमेज इसको बोलते हैं प्रतिबिंब, प्रतिबिंब इमेज क्या होता है। देखिए यहाँ पर इमेज का मतलब हम लोग समझते हैं जैसे शीशे के सामने दर्पण के सामने घूमते हैं तो हमारा तस्वीर हमारा चेहरा दिखाई देता है, हम लोग इसे बोलते हैं हमारी इमेज। इसमें इमेज होता क्या है, साइंस की भाषा में बात करें तो साइंस ये कहता है किस बिंदु पर किसी वस्तु से निकलने वाली आवाज किस बिंदु पर परावर्तित की रही। जैसे हमारे पास मान लेते हैं कि हमारे पास एक दर्पण, ठीक है, ये दर्पण मान लेते हैं मिरर है, मिरर क्या होता है टॉपिक करें, मान लीजिए कि दर्पण सामने से एक वस्तु इस वस्तु से जो प्रकाश की किरणें चलेंगी जो चलेंगी जैसे मान लीजिए प्रकाश की किरण आगे आएंगे ये रिफ्लेक्ट को कैसे चल जाएंगे। अगर इसको हम इसमें क्या करेंगे कहने का मतलब परावर्तित प्रकाश से निकलने वाली परावर्तित मान लीजिए तो कहने का मतलब कि किसी भी प्रकाश से निकलने वाली या किसी और परावर्तित किरण एक दूसरे को जिस बिंदु पर डालते हैं वह बिंदु उस वक्त का क्या कहलाता है, प्रतिबिंब कहलाता है। साइंस की भाषा में ये आपको इमेज में दो प्रकार के मिलेंगे, एक आपको इमेज आएगा आभासी प्रतिबिंब, प्रतिबिंब इसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। दूसरा आएगा वास्तविक वास्तविक प्रतिबिंब जिसको हम लोग बोलते हैं रियल इमेज। दो प्रकार की इमेज की चर्चा होगी पूरे लाइफ में, कहीं वर्चुअल आएगा आभासी आएगा तो कहीं रियल इमेज आएगा। वर्चुअल क्या होता है, इमेज क्या होता है, तो रियल क्या होता है, इन सब चीजों को हम अगली कक्षाओं में करेंगे।
तो कहने का मतलब इस बात को याद रखिएगा कि जब कभी भी आपसे पूछा जाए इमेज क्या है, तो आप छोटी डेफिनेशन बताएंगे आपकी किरणें परावर्तन के बाद या अपवर्तन के बाद। अपवर्तन क्या होता है, जिसको रिफ्रैक्शन बोलते हैं, इसकी चर्चा भी आगे जरूर करेंगे। परावर्तित किरणें या अपवर्तित किरणें आपतन के बाद, इसी प्रकार आपकी किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद किस पर काटती हैं उसे हम उस वस्तु का क्या करते हैं, प्रतिबिंब करते हैं, उसे हम प्रतिबिंब करते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, आभासी प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज एंड रियल इमेज। वर्चुअल इमेज क्या है, रियल इमेज क्या है, ये सब हम नेक्स्ट कक्षाओं में करेंगे। बाकी इतना सब कुछ आप करिएगा, इस बार बुक को अगर आपके पास बुक हो बुक जरूर पढ़िएगा, इस बात क्लियर होगी। इसकी नोट्स भी हम देंगे, घबराने की बात नहीं है, अभी सिर्फ आप समझने का प्रयास करिए, ठीक है। इसके बाद जो जीके हो आगे अभी शॉप बाकी चर्चा अभी